जो कि वहाँ पे, और ये जंगल क्रॉस करते 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 चढ़ाई चढ़ते चढ़ते यहाँ तक हम पहुँच गए। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, बस ऐसे लग रहा सारे आमने सारे पहाड़। यहां से आप दृश्य देख सकते हैं दोस्तों, कितनी खतरनाक खाई आप देखिए। ये देखिए पूरा उठा हुआ खड़ा एकदम पहाड़, और बादलों की मूवमेंट ऊपर की तरफ, बहुत ही शानदार जबरदस्त जगह। ये देखिए वाव वाव वाव, इससे खूबसूरत जगह सच बताओ बहुत मजा आ गया, बहुत ज्यादा। ये देखिए नजारा है, जो ये खड़े पहाड़ है ना एकदम, इनको आमने सामने देख के ऐसा लग रहा है कि भाई हम माउंट एवरेस्ट में चढ़ चुके हैं। ये देखिए कितने खतरनाक जो है पहाड़ आपको आंखों के सामने दिखते हैं, और यहाँ से बिल्कुल ये देखिए। ओए हट जा भाई, गिर जाएगा। ये देखिए यहाँ का दृश्य। दोस्तों यहाँ रास्ता देखो, नीचे देखो, नीचे बिल्कुल खतरनाक है, और यहाँ से चलना है अभी हमें, थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा। ओ पहुँच गए। अब इसके बाद जो चढ़ाई है ऊपर देखे, बिल्कुल घना जंगल कोहरे के साथ। तो यहाँ देखते ही देखते ना कोहरा और ठंडा इतना ज़्यादा कि भाई हालत ख़राब होगी। तो जब भी आप यहाँ आए ऐसे टाइम पे, तो बिल्कुल यहाँ बहुत टॉप में हवा बिल्कुल ठंडी चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक फ्लावर दिखा, जो कि अब वैली में भी नहीं हो रहा है आजकल, वहाँ ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे है मेरिना लोंगोफोलिया, ये देखिए
ये फ्लावर आई होप सो बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर है ये देख। जहाँ पे हम खाना वगैरह बना सके आग जला करके, लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी वो भी सूखी सूखी। बाकी टेंट थोड़ी देर में लगाएंगे क्योंकि अभी हम पहले अपनी पेट पूजा करेंगे खाना खा करके। रोटियाँ लेके आए हैं हम और सब्जी भी है, सब्जी। मौसम तो क्लियर हो नहीं रहा, वैली दिख पा नहीं रही, लेकिन हमारा टेंट हो चुका है तैयार। यहाँ पे संतोष भाई कर रहे हैं आराम। बढ़िया है टेंट। और आज हमने यहाँ पे रात बितानी है इस खुले मैदान में, ये देखें टेंट के अंदर। बिल्कुल आने वाला है मज़ा, क्योंकि ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं। ये देखें हमारा छोटा सा टेंट तैयार है। ऐसे ही ट्रैकिंग होती है तो अच्छा लगता है। अब इसके बाद हमें बर्तन ढूंढने हैं इधर या ऊपर कहीं जहाँ पर लोग रहते हैं, आते हैं और उससे पानी भर करके वहाँ पर खाना।
सो दोस्तों, अंधेरा होने वाला है और लो लाइट कंडीशन में जो है गोप्रो अच्छा वर्क नहीं करता, तो इसीलिए आपसे आज विदा लेते हैं इस व्लॉग से। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय लक्ष्मण भगवान।